सो गाइज आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M31s मोबाइल के कैमरे के बारे में। सो मैंने इसके कैमरे से वेरियस मोड में जाके बहुत सारे पिक्स एंड वीडियोस लिए हैं। सो मैंने सारे पिक्स एंड वीडियो यहाँ पे अपलोड भी किए हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन भी किया है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैंने हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो गाइज अभी हम बात करेंगे इसके नाइट मोड के बारे में। सो पहले एक नॉर्मल मोड में लेते हैं एक पिक। नॉर्मल मोड में एक पिक हो चुका है, अब जाते हैं मोर में, करते हैं इसका नाइट मोड अनेबल। नाइट मोड हो चुका है अनेबल, अब लेते हैं एक नाइट मोड में एक पिक। सेव हो रहा है, हो गया ये सेव। वाह गाइज इसका नाइट मोड ना यार, एक्चुअल में ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने नाइट में पिक लिया है, ऐसा लग रहा है कि डे लाइट कंडीशन में लिया हुआ पिक है। नॉइज़ हमें मिलता है, ऐसा नहीं कि नॉइज़ नहीं मिलता, नॉइज़ तो हमें मिलता है, बट यार कलर कॉन्ट्रास्ट जो दिया है ना वो बहुत औसम लगता है कंपेयर करते से एक नॉर्मल पिक के साथ जो नॉर्मल मोड में लिया हुआ है। सो आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, एंड जो कलर कॉन्ट्रास्ट है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। आप देख सकते हो ये ब्लर हो चुका है, वही हम देखते हैं नाइट मोड में, तो आप देख सकते हो ये क्लियरली विजिबल है, आप क्लियरली यहाँ पर रीड कर सकते हो। और ये नॉर्मल मोड में लिया हुआ पिक है, आप देखते हो ये हल्का सा ब्लर लग रहा है, एंड पीछे का जो शेडो है वो देखो नॉर्मल पिक में इतना अच्छा नहीं आया, बट वही हम नाइट मोड में देखते हैं तो अच्छा खासा शेडो हमें दिखता है पीछे। नॉइज़ दोनों में भी है, बट कंपेयर करेंगे नाइट मोड में तो नॉइज़ हल्का सा कम है, एंड ऊपर से इसका जो कलर कॉन्ट्रास्ट जो आया है ना, कलर सेचुरेशन एंड जो उन्होंने पिक दी है नाइट मोड में, आई थिंक सो वन ऑफ द बेस्ट है ये। एंड सैमसंग गैलेक्सी M31s में एक्चुअल में नाइट मोड बहुत अच्छा है गाइज, ट्रस्ट मी। आप देख सकते हो ये नॉर्मल पिक और ये नाइट मोड एनेबल करने के बाद का पिक, सो आप डिफरेंस देख सकते हो, बहुत डिफरेंस है दोनों में। ये कलर थोड़ा सा फेड एंड कलर इसका डल हो गया ऐसा लग रहा है, एंड नॉइज़ भी ज़्यादा है, एंड ये वाला पार्ट आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लर है, वही हम बात करेंगे यहाँ पे। तो ये डे लाइट कंडीशन पिक लग रही है, एंड ये पिक दिखने में भी अच्छी लग रही है, नॉइज़ इसमें भी है, ऐसा नहीं कि नॉइज़ नहीं है, नॉइज़ है, बट कंपेरेटिवली ये पिक बहुत अच्छा है, नाइट मोड इसका अच्छा काम करता है गाइस। तो गाइज अभी हम बात करेंगे वीडियो रेजोल्यूशंस के बारे में, तो उसके लिए पहले मैं जाना होगा सेटिंग्स में। यहाँ पे आपको मिलता है रेयर कैमरा एंड फ्रंट कैमरा, ओपन करते इसे। ये है इसका 2K, ये है HD, ये है फुल HD और ये है UHD जिसका मीनिंग होता है 4K। जाते हैं बैक, फ्रंट कैमरे में भी आपको मिलते हैं 2K HD, फुल HD एंड UHD का मीनिंग होता है 4K। सो गाइज अभी हम लेते हैं 64 मेगापिक्सल का क्लिक, तो बेसिकली यहाँ पे क्लिक करके करते इसे 64 मेगापिक्सल में। अब देखते हैं 64 मेगापिक्सल में मैंने रखा है, क्लिक देखते हैं 64 मेगापिक्सल का क्लिक करते इसे जूम इन, तो आप देख सकते हो गाइस ये 64 मेगापिक्सल को प्रॉपरली जस्टिफाई करता है, बिकॉज की के ऊपर लिखा हुआ ये नंबर इजीली विजिबल है, और आप देख सकते हो हर एक डिटेल एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। से फिर से एक बार जूम इन, सो गाइस अभी हम बात करेंगे इस मोबाइल के वीडियो क्वालिटी के बारे में। सो मैं फिलहाल तो फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इस मोबाइल से ली हुई वीडियो बहुत ही शार्प एंड एक्यूरेट है। इसका जो कलर प्रोडक्शन है एंड कलर सेचुरेशन है वो नेचुरल है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर इसमें बताया नहीं जा रहा। देखते हैं इसका एक फोकस, तो जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट पे लेके जाते हो फोकस हो जाता है उस पर, फोकस हो गया इस पर, जैसे हम बैक होते हैं फिर से नॉर्मल में आ जाता है, फिर से एक बार किसी तो ऑब्जेक्ट पे फोकस कर लेते हैं। सो ये अच्छे से इसका फोकसिंग मोड काम करता है। अब बात करते हैं इसके स्टेबलाइजेशन के बारे में, तो मैं हल्का सा मोबाइल को हिला के वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इसका स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छा नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक है, नॉर्मल चलते चलते आप वीडियो इजीली ले सकते हो, बट अगर आप भाग के वीडियो ले रहे हो
ऑब्वियसली वो लैग ही आएंगे, थोड़ा सा शेकी होगा वीडियो में। सो देखते हैं इसके कैमरा सैंपल्स। सो गाइज, इसका जो कैमरा है ऑब्वियसली अल्टीमेट है। देखते हैं इसका अल्ट्रा वाइड एंगल। यार इसका जो अल्ट्रा वाइड है ना गाइज, एक्चुअल में अल्ट्रा वाइड है। मतलब जो नॉर्मल मोबाइल्स होते हैं वो थोड़ा सा ही वाइड होता है, बट ये एक्चुअल में अल्ट्रा वाइड को जस्टिफाई करता है। एंड ये अल्ट्रा वाइड एंगल होने के बाद भी ऐसा नहीं कि क्लियरिटी कम हो रही है, इसकी क्लियरिटी भी अच्छी है। अब बात करते हैं इसके वन ऑफ द यू नो सैमसंग ने जो जिसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया है वो इसका सिंगल टेक फीचर। सो लेट्स ट्राई द सिंगल टेक कैप्चर मीनिंगफुल मोमेंट्स लिख के आया हुआ है। ट्राई स्लो स्विच टू न्यू एंगल्स, ट्राई मोर यू शूट द मोर मीनिंगफुल मोमेंट यू विल कैप्चर। ओके हो गया है सिंगल टेक। देखते हैं सिंगल टेक में हमें क्या क्या मिलता है। सो यार इसने जस्ट वीडियोस दिए, आई डोंट नो वाई इसने पिक्स कैप्चर नहीं किए। इसको और एक बार ट्राई करते हैं। हो गया कंप्लीट। देखते हैं ये टाइम हमें क्या क्या मिलता है इसके अंदर। ओके दैट्स प्रॉपर। सो ये टाइम हमें मिला है कहते से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7। सो हमें 7 पिक्स एंड वीडियोज़ मिले, जिसके अंदर 1 2 3 टोटल 3 वीडियोज़ एंड 4 पिक्चर्स मिलते हैं। देखते हैं से वन बाय वन। सो बेसिकली ये नॉर्मल पिक्चर जो कैप्चर हुआ गया है, यह एक वीडियो। लेट्स ट्राई। सो बेसिकली नॉर्मल सा वीडियो कैप्चर किया गया है, जो हम रोटेट कर रहे थे वही इसने कैप्चर किया है। ये पिक थोड़ी सी फिल्टर लग रही है मुझे, फिल्टर लाइक ब्राइटनेस इंक्रीज किया गया हो लाइक टाइप। ये ब्लैक एंड वाइट, अब देखते हैं इसे। ओके एक बुमरैंग विद म्यूजिक, वाह अच्छा है ये। आई थिंक सो एक पोर्ट्रेट टाइप में दिया गया है उन्होंने पिक। देखते हैं लास्ट वन। ओ गुड। सो इन्होंने बेसिकली क्या किया है, इसके अंदर उन्होंने साउंड दिया है। यार ये क्या है। ओके सो ठीक है, अच्छा है, लाइक पार्टीज एंड ऑल में यूज़ करने के लिए अच्छा है ये फोटो मोड। सो गाइज इसके अंदर और एक अच्छा फीचर है, वो इसका रेशियो। आप देख सकते हो आपको यहाँ पे रेशियोज मिलते हैं। अगर फुल करोगे तो यहाँ पे आपको फुल रेशियो मिलेगा। आप इसे करते हो 1:1 तो छोटा साइज मिलेगा, इसे करते हो 9:16 जो मेरा फेवरेट है तो ऑब्वियसली 80% ऑफ स्क्रीन मिलेगा। बात करते हैं 3:4 जो नॉर्मल मोबाइल्स में होते हैं उतना। एंड अगर हमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करना है, 64 मेगापिक्सल का क्लिक लेना है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे जाके, यहाँ पे 64 मेगापिक्सल दिया है उसे क्लिक करना होगा। एंड गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम सबको लगता है कि 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया है, मतलब वो हर एक पिक 64 मेगापिक्सल में ही कैप्चर करेगा, तो ऐसा नहीं होता। तो जब हम नॉर्मल मोड में होते हैं तो इसका जो कैमरा रिजोल्यूशन होता है वो होता है 16 मेगापिक्सल का। सो गाइज ये नोट डाउन कर लो। देखते हैं इसका फ्रंट कैमरा। सो इसका फ्रंट कैमरा भी बहुत अच्छा है, 32 मेगापिक्सल को ये जस्टिफाई करता है। देखते हैं फ्रंट मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। सो फ्रंट मेगापिक्सल का यार इसका जो अल्ट्रा मोड है वो इतना भी अल्ट्रा वाइड नहीं है, वो 10% ही थोड़ा एनहेंस कर लेगा। ठीक है ग्रुप सेल्फीज ओके फाइन, अच्छा खासा ले ही लेगा। अब बात करते हैं इसके बैक कैमरे की, या फिर जिसे रियर कैमरे भी बोला जाता है। ऑब्वियसली ये अल्ट्रा वाइड एंगल को प्रॉपरली जस्टिफाई करता है। देखते साइड पे मिलता हमें वीडियो, वीडियो मोड का अल्ट्रा वाइड एंगल। ओ क्या सेम लाइक पिक्चर। देखते हैं मोर में हमें क्या क्या मिलता है। ओ वाह सो मोर में हमें मिलता है प्रो वर्जन, पैनोरामिक मोड, माइक्रो, फूड, नाइट, ये नाइट फीचर है। ओके सो होल्ड योर फोन स्टिल वाइल टेकिंग नाइट शॉट। ओके सो ये लिखे आया गया है। ओके फाइन श्योर, करते हैं नाइट को बैक। इसमें और एक जो इंटरेस्टिंग फीचर है गाइस, वो मैं आपको पहले आगे का सब पढ़ के बता देता हूँ, फिर बता देता हूँ। वो लाइव फोकस, सुपर स्लो मोशन, स्लो मोशन, हाइपर लैप्स। यहाँ पे आपको AR जोन लिखा हुआ दिखाई देगा। सो बेसिकली AR जोन क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको ऐसे चीज़ें मिलेंगी अगर आप यहाँ पे इमोजीज पे जाते हो। सो जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे इमोजीज आते हैं आपके फेस के ऊपर, जैसे ये कैप्चर करेगा क्लिक हो जाएगा। आप जैसे ही देख सकते हो फेस के ऊपर ये इमोजीज आ जाते हैं। सो ये फन लाइक फन स्टिकर्स है, स्पेशल जो स्मॉल किड्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं और एल्स निब्बा निबीज होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फीचर होगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। करते हैं बैक मोड। सो यहाँ पे तो फेस नहीं मिल रहा इसे, सो ये नहीं कैप्चर कर रहा है। फ्रंट में देखते हैं तो ये कैप्चर कर ले रहा है। देखते हैं सीन्स में। ओके सो सीन्स में
बैकग्राउंड जो होगा वो चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर जो स्टिकर है वो, एंड आप जैसे ही रोटेट हो गए, नहीं मुझे डाउनलोड नहीं करना, जैसे आप इस लेफ्ट में जाओगे तो ये लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाओगे तो राइट में आएगा। ओके ये अच्छा है, टाइम पास है कुछ। अब बात करते हैं इसके दूसरे फीचर्स के बारे में। सो यहाँ पे हमें सेटिंग्स में क्या क्या मिलता है देखते हैं। सेटिंग्स में हमें ओके रिजोल्यूशंस में ये 2. ओके 4K टाइप में वीडियोस वगैरह सब अवेलेबल है इसके अंदर। वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑब्वियसली अच्छी बात होती है, स्टेबल वीडियो करने के लिए अच्छा चीज़ है वो। ऑन है ओके, फ्लैश ऑन ऑफ ऑटो, ये पाम सुपर स्टडी मोड, ओके सॉरी सुपर स्टडी मोड है ये। फिर यहाँ पे देखते हैं ये क्या है। ओके सो यहाँ पे हमें मोड्स मिलते हैं, ये ओरिजिनल मोड है, ये वॉर्म मोड है, कूल। ओके सो हमें बहुत सारे मोड्स मिलते हैं, ओरिजिनल पे ही रखते हैं इसे। ब्यूटी मोड भी ऊपर दिया गया है, माई फिल्टर्स भी है ऊपर, सो बेसिकली हमें अभी कुछ नहीं चाहिए। ये क्या है, ओके डूडल सॉरी डिनाई करते फिलहाल के लिए। सो गाइज इसके कैमरे में और एक इंटरेस्टिंग फीचर है, आप वीडियो मोड में जाओगे एंड जैसे ही आप वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करोगे आप इसे बिना स्टॉप के स्वैप भी कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है एंड मैंने बैक कैमरे से डायरेक्टली फ्रंट कैमरे में स्विच किया है विदाउट एनी पॉज या फिर विदाउट एनी यू नो वीडियो एंड किए हुए। सो बेसिकली अच्छा फीचर है ये, ब्लॉगिंग जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा फीचर होगा। आप देख सकते हो कैमरा स्वैप लेकिन रिकॉर्डिंग वैसे की वैसे चालू हुई है। सो बेसिकली ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर सैमसंग ने दिया है। सो बेसिकली ये इसका कुछ कैमरा। सो अगर मैं इसके कैमरा की बात करूँ, ऑब्वियसली सैमसंग ने इसका जो कैमरा है वो बहुत अच्छा दिया गया है, बट अगर मैं इसके रेटिंग दूँ तो आउट ऑफ 5 में से 4.5 to 4.6 दूंगा। बिकॉज यार इसके जो कलर कॉन्ट्रास्ट जो आ रहा है ना वो थोड़ा सा येलोइ शेड में लाइक वार्म टोन मिलता है, भले ही हमने इसे यहाँ पे ओरिजिनल मोड पे ही रखा है बट ये थोड़ा वार्म शेड देता है अगर हम कंपेयर करेंगे दूसरे कैमरास के साथ। सो थोड़ा सा वार्म शेड देता है बट कैमरा बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि यार ये एवरेज है, ये ऑब्वियसली अबाउट द एवरेज है। आउट ऑफ 5, 4.5, 4.6 तो ऑब्वियसली इसे मिल ही जाएंगे। सो ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा हम बोल सकते हैं इस प्राइस रेंज में।